अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जो मैं आप लोगों को कही थी अल्फाज से जुमला बनाने का तरीका पे वीडियो लाऊंगी, तो आज मैं वो वीडियो लेकर आ गई हूँ। ठीक है, तो अल्फाज से जुमला कैसे बनता है, तो कोई भी अल्फाज हो अगर आप लोग को बिल्कुल नहीं आती तो इस वीडियो में आप लोग को पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखो अल्फाज से जुमले बनाने का तरीका। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक लफ्ज़ लिखा हुआ है जो कि है काम, यहाँ पर काम लिखा हुआ है, उससे आप लोगों को जुमला बनाना है। तो जुमला कैसे बनाएगा, तो यहाँ पे देखिए हर काम वक्त पर करो। यहाँ पे काम है, बीच में आप लोग देख लो काम आ रहा है, ये जुमले में इस्तेमाल किया गया। हर काम वक्त पर करो, काम से जुमला कैसे बनेगा, हर काम वक्त पर करो। अब नीचे देखो, मैंने सारा काम कर लिया है, तो यहाँ पे मैं एक दो लिखी हुई हूँ, किसी किसी में एक भी लिखी हुई है, तो दो यहाँ पे मैं बनाई हुई हूँ। एग्ज़ाम में आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चन आएगा, इन बोर्ड की तो मैं बात नहीं कर रही, बोर्ड में इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आते, ये सब तो छोटे छोटे चीज़ें छोटे क्लासेस के लिए मैं बनाई हूँ, जो कि 6, 7, 8 इन सब क्लासेस के लिए मैं बनाई हूँ। ओके, क्योंकि अल्फाज से जुमला बनाने का भी ना क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कैसे आएगा, अब लिखा रहेगा अल्फाज से दो जुमले बनाएं। ओके, अब अल्फाज कौन कौन सा रहेगा, बीच में ऊपर में दे देगा, काम, स्कूल, मस्जिद, गुलाब, फूल उल, कुछ भी चार पांच अल्फाज दे देगा और बोलेगा उससे दो या तीन जुमला बनाएं। तो यहाँ पे मैं दो दे दी हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग काम का हर काम वक्त पर करो या फिर मैंने सारा काम कर लिया, यही नहीं बनाओ, आप लोग खुद से ट्राई करो बनाने का। अब खुद से कैसे बनाओगे, अब कोई भी जैसे हम लोग आम बोलचाल में यूज़ करते हैं ना, जैसे कि है यहाँ पे कुर्सी, ठीक है, मान लो कुर्सी है, तो कुर्सी को कैसे लाएंगे, ये कुर्सी उधर रख दो, कुर्सी लाओ, इस तरह से आप लोगों को जुमला बनाना होगा। जैसे आम बोलचाल में बोलते हैं ना, उसी तरह से आप लोगों को जुमला बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कुछ भी हो गया, अब मान लो पंखा, पंखा चल रहा है, पंखा बंद कर दो, इस तरह से आप लोग को जुमला बनाना होता है। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब नीचे देखो मस्जिद, मस्जिद से जुमला कैसे बनेगा, मस्जिद खूबसूरत है। अब ज़रूरी नहीं कि मस्जिद खूबसूरत ही आप लोग लिखो, आप लोग अपने मर्जी से बना सकते हो, मस्जिद बहुत बड़ा है, मस्जिद में पंखा लगा है, इस तरह से भी आप लोग बना सकते हो, हमें मस्जिद में नमाज़ पढ़नी चाहिए। फिर देखो स्कूल, स्कूल का कैसे बनेगा, मेरा स्कूल बहुत बड़ा है, मेरा स्कूल करीब है, मेरा स्कूल बहुत खूबसूरत है, मेरे स्कूल में पंखे लगे हैं, मेरे स्कूल में अच्छे अच्छे टीचर है, कुछ भी आप लोग बना सकते हो। जुमला यही होता है, कुछ भी आप लोग को सेंटेंस बनाना रहता है, सेंटेंस को ही जुमला कहते हैं उर्दू में। अब यहाँ पे देखो बाग, बाग, बाग में फूल हैं, मेरा बाग बहुत खूबसूरत है, वो बाग में घूम रहा है, इस तरह से आप लोग बस आपको जुमला बनाना आना चाहिए। ठीक है, जुमला बनाने आ जाएगा, आप लोग जितनों भारी अल्फाज रहे, जितना से भी जितना भारी हो आप लोग बना सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में यही अल्फाज आएगा, दूसरा भी आ सकता है, आप लोग को बेंच दे देगा, कॉपी दे देगा, कलम दे देगा, इन सब से जुमला बनाइए, दो बनाइए, तीन बनाइए, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग को बस जुमला बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे है माँ, माँ से जुमला कैसे बनेगा, माँ बच्चों से प्यार करती है, खेल, वह खेल रहा है, भाई, वो मेरा भाई है। फिर नेक्स्ट देखो लोग, ये लोग कौन है, मेज़, ये एक मेज़ है। चलो ये था भारी टाइप का, यानी कि थोड़ा सा ये टफ था। ओके, अब मैं एकदम इजी वे में आप लोगों को समझाती हूँ, अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है, मतलब कि आप लोगों को ये देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा, तो चलो आसान जुमला मैं दिखाती हूँ आप लोग को। ठीक है, आसान तरीका, ठीक है, ये देखो आसान तरीका में है, मान लो आप लोगों को नहीं आ रहा फिर भी, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जो अल्फाज, ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर देखिए, ऊपर भी यही चीज़ लिखे हुए हैं। ठीक है, दिख रहा हो आप लोग को, ऊपर नीचे जो आसान तरीका में जो आप लोग को समझाने वाली हूँ ना, उसमें भी वही सब अल्फाज है। ठीक है, उससे मैं आसान भाषा में समझाऊँगी। अब देखो काम, आप लोग को ऊपर समझ में नहीं आ रहा, तो उसी से मैं यहाँ पर आसान तरीका में लिखी हूँ, ये काम है, काम कर लो, एकदम ईजी। आपको नहीं आ रहा कुछ भी तो कुछ भी लिख दो, ये काम है। अब मस्जिद है, तो मस्जिद को कैसे आप लोग लिखोगे जुमलों में, तो ये मस्जिद है, मस्जिद जाओ। नहीं आ रहा तो छोटा सा लिख दो, नंबर तो मिलेंगे ना, नहीं लिखने से तो अच्छा है कुछ तो लिखोगे। अब नीचे देखो स्कूल, ये स्कूल है, वो मेरा स्कूल है, स्कूल जाओ, कुछ भी लिख दो, बस कुछ भी। आप लोग को जुमला बनाना बहुत आसान होता है। फिर आप लोग नीचे देखो बाग, बाग खूबसूरत है, ये मेरा बाग है। नीचे देखो माँ, माँ यहाँ है, खेल, ये कैसा खेल है, भाई, ये लो भाई, लोग, ये लोग जा रहे हैं। फिर नीचे देखो मेज़, ये वो, ये मेज़ है या वो मेज़ है, कुछ भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था आसान भाषा में, आप लोग को नहीं आ रहा भारी तो आप लोग कुछ भी लिख दो, मतलब जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है मस्जिद,
ठीक है, यहाँ पे घर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बोले कि मस्जिद से दो जुमला बनाओ या घर से दो जुमला बनाओ, तो आप लोग लिख सकते हो। नहीं लिखने आ रहा भारी अल्फाज, तो आप लोग ऐसे आसान में लिख लो, ये घर है, ये मेरा घर है, वो उसका घर है, कुछ भी लिख दो, ये वो ये सब लगा के आप लोग जुमला बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ जुमला जो अल्फाज से जुमला बनाने का तरीका। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया तो दो बार तीन बार आप लोग वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि अब यहाँ पे क्या लगाऊँ वो लगाऊँ, ये सब आप लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप लोगों को बस जुमला कैसे बनता है ये समझ में आ गया ना, आप लोग बना लोगे, कुछ भी बना सकते हो। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से सब्सक्राइब करते रहें।